जियो को उन सबको स्कूल में रहने देने के लिए बोलता है क्योंकि प्योजो को उन सब मारे थे। प्योजो के पापा उन पर केस कर दिए थे। जियो को अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए ये सब बोलता है। सिंहुन बोलता है फिर तुम प्योजो के पास जाओ, इसमें मुझे मत शामिल करो। जियो बोलता है तुम उस दिन ब्योंगे को देखे थे और प्योजो ब्योंगे के साथ क्या किया तुम था? सब जानते हो पर ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं जानते। सिंहुन बोलता है वो पास्ट है सो इसे खत्म कर देना चाहिए। और उनको बचाने के लिए क्या करूँ पूछता है। वो बोलता है तुम स्मार्ट हो बोलकर चला जाता है। नेक्सिन डियो में जियो का नाटक कर रही थी और तुम ये क्यों पैक कर रही हो पूछती है। सुबह आर्ट क्लास छोड़ रही है बोलती है क्योंकि उसे पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी। डियोमी उससे बोले जा रही थी पर सुबह वहाँ से चली जाती है। नेक्सिन में बॉयफ्रेंड बात कर रहे थे ये सिचुएशन को संभालने के लिए सिर्फ पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें स्कूल एनरोलमेंट प्रूफ भी चाहिए। वो सब बैंड कंपटीशन में सिंहुन के ग्रुप के साथ लड़ने वाले थे और हम स्कूल में रहेंगे और हम ही जीतेंगे बोलते हैं। नेक्सिन सिंहुन बैठा था तभी जोंगमारो आता है और दोनों कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे और वो सब प्रैक्टिस रूम के लिए बैटल कर रहे थे। सिंहुन प्योजो कब डिस्चार्ज होगा पूछता है। वो कल डिस्चार्ज होगा बोलता है सिंहुन। तब उसे आज ही सब खत्म कर देना होगा बोल जोंगमारो कुछ समझ नहीं पाता। नेक्सिन जियो क्लास से निकल रहा था। सुआ आती है वो उसे ही देख रहा था और जा रहा था तभी वो देखता है सिंहुन टीचर के साथ में बात कर रहा था। क्योंगजोंग और हाजिन जा रहे थे तभी जोंगमारो उनको बोलता है ये वो प्रैक्टिस रूम के लिए उनका कंपटीशन है। क्योंगजोंग बोलता है हम ये भी नहीं जानते कि हम स्कूल में रहेंगे या नहीं। जोंगमारो तुम लोग नहीं सुने हो चार्ज हटा दिया गया है। ये सुनकर दोनों खुश थे और जियो बचा लिया हमारा लीडर सबसे अलग है बोलते हैं। हाजिन जियो को कॉल करके बताता है वो भी खुश था। वहाँ से सिंहुन पार हो रहा था वो इतना भी बुरा नहीं है बोलता है। नेक्सिन सुआ काम पर रहती है और अपने पापा से बात कर रही है। जियो घर आता है और देखता है सुआ के घर के बाहर दो गुंडे आए थे और तुम सुआहो पूछते हैं। जियो जाकर उसके खिड़की पर पत्थर से मारता है। वो आती है वो उसे चुप रहने के लिए बोलता है और मेरे घर आओ। वो सीढ़ी से उतर रही थी और गिर जाती है। जियो उसे पकड़ लेता और उसे अपने घर लेकर आता है। वो गुंडे सुआ को ढूंढ रहे थे। सुआ अंदर आती है और उसे भूख लग रही थी। जियो उसे खाने के लिए देता है। वो खाती है और अच्छी है बोलती है और गिटार देकर ये तुम्हारा है पूछती है। वो ब्योंगे का है बोलता है और अगर तुम्हें उस दिन के लिए बुरा लग रहा है तो ऐसा फील मत करो बोलता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी सो सॉरी फील मत करो। उसे खाने के लिए बोलता है। वो खाती है फिर वो प्लेट धो रहा था और उसे देखता है वो सो गई थी। उसे उठाता है पर वो वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह उठती है और देखती है जियो वहीं नीचे सोया हुआ था। वो उसे अच्छे से सुलाकर कंबल ओढ़कर जा रही थी पर जियो नहीं सोया था। नेक्सिन सिंहुन अपनी बहन के साथ में था। हैरी बोलती है वो सॉन्ग जो तुमने भेजा था वो सॉन्ग तुम गाओ। सिंहुन नहीं मैं नहीं चाहता कि हर कोई मेरा आवाज सुने बोलता है। हैरी पूछती है तुम पापा से बोले थे कि तुम अब्रॉड स्टडी करने नहीं चाहते हो और तुम हर चीज को मना क्यों करते हो। सिंहुन बोलता है इसलिए क्योंकि हाल ही में स्कूल जाना मजेदार हुआ है। हैरी सुआ के साथ में कैसा चल रहा है पूछती है। सिंहुन क्यों पूछता है। वो बोलती है मैं उसके बारे में कुछ बुरा खबर सुनी थी उसके पापा के लिए चीजें बहुत खराब होने वाले हैं। सुआ जा रही थी सिंहुन उसके साथ में जाता है। दोनों टीचर बात कर रहे थे और वो चाहते हैं कि आप उन स्टूडेंट को लाइन में लाएं। सिल्वर टीचर बोलते हैं उन गुंडे स्टूडेंट को मैं ठीक करूंगा। टीचर बोलते हैं स्कूल में हमारे स्टूडेंट के लिए उनके पास एक पनिशमेंट है। सिल्वर टीचर बोलते हैं कि आपको लगता है कि स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देंगे आपको इन स्टूडेंट को ले जाना होगा और उनको सबक सिखाना होगा। टीचर उन सबको सबक सिखाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी सिखाना होगा। अगर वो सब 60 पॉइंट तक पहुंचते हैं वो सबको निकाल देंगे। सिल्वर टीचर मान जाते हैं। वो क्लास में रहते हैं तभी जियो आता है उसे बोलते हैं तुम क्लास लेट में आए इसीलिए 3 पॉइंट और तुम खा रहे हो इसीलिए 3 पॉइंट तुम्हारा टोटल 6 पॉइंट हुआ। जंगदो और हाजिन जा रहे थे। हाजिन उसे परेशान कर रहा था। टीचर देख लेते हैं और ये क्या कर रहे थे मैंने सब देख लिया है तुम दोनों के बीच में क्या है पूछते हैं। वो फ्रेंड है बोलते हैं पर वो उनको 5 पॉइंट देते हैं और सबको डरा रहे थे और मैं तुम सबको निकालने जा रहा हूँ बोलकर हंस रहे थे। बॉयफ्रेंड टीचर के बारे में बात कर रहे थे अगर ऐसा ही होता रहा तो एनरोलमेंट लेने से पहले ही हम स्कूल से निकल जाएंगे। तभी जो
सिंगमारो आकर जीयू को सिंगहुन प्रैक्टिस रूम में बुला रहा है, बोलता है। वो जाता है, सिंगहुन बोलता है प्रैक्टिस रूम के लिए दोनों ग्रुप में बैटल होने वाला है और उसके लिए कुछ रूल है, स्टूडेंट वोट करेंगे। सिंगहुन का ग्रुप 5:30 में स्टार्ट करेंगे और तुम लोग के पास 10 मिनट सेट करने के लिए टाइम है। तुम लोग का 5:50 में स्टार्ट हो जाएगा, जीयू डील करता है। जो उसका मजाक उड़ा रहा था वो गुस्से में था और उसे धकेल कर वहाँ रखा हुआ चीज से मारता है। वो जाकर सही पॉइंट में लगता है। जुंगमारो और प्योजो जाकर देखते हैं वो ये कैसे किया बोल रहे थे। रात में बॉयबैंड बात कर रहे थे, वो सब प्रैक्टिस रूम भी जीतेंगे और फेस्टिवल भी जीतेंगे। जीयू अभी कहाँ प्रैक्टिस करेंगे पूछता है। जांगदो बोलता है क्योंकि प्रैक्टिस रूम मिल गई है पर वो तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी पर तुम कॉल नहीं उठा रहे। यूनसो बोलता है तुम अपना फोन बस शो के लिए पकड़ते हो। तभी वहाँ वो क्यूंग आती है, वो जीयू को लाइक करती है और उसे लेकर चली जाती है। सब जाते हैं, वो सब यहाँ प्रैक्टिस करने वाले थे। जीयू बोलता है ये सब वो क्यूंग अरेंज की है तो सभी अभी ही प्रैक्टिस करेंगे। वो बस इतना ही बोलती है। जीयू ठीक है डिनर कराऊंगा बोलता है। वो उसे किस करती है। जांगदो उसे ही देख रहा था, वो भी उसे लाइक करता है। अगले दिन क्लास खत्म होती है, सिंगहुन सुआ को देख रहा था। बॉयफ्रेंड प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, जीयू सॉन्ग रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर रिकॉर्ड कर रहा था। वहाँ सिंगहुन की बहन रहती है और इधर सिंगहुन सुआ को देख रहा था, वो काम कर रही थी। उसे ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था और इधर जीयू ब्योंगे का सॉन्ग गा रहा था। हैरी कौन है पूछती है, वो बोलते हैं ये हाई स्कूल स्टूडेंट और पार्ट टाइमर है। पर हैरी को उसका सॉन्ग बहुत पसंद आती है। रात में सुआ घर जा रही थी, उसके पीछे कोई आ रहा है बोलकर वो बैग से मारती है पर वो जीयू वो चला जाता है। और तुम्हें इतनी रात में डर लगता है तो घर जल्दी आना बोलता है। वो बोलती है पार्ट टाइम जॉब कर रही है और वहाँ लेट से छुट्टी देते हैं। सुआ अपनी रूम देखती है और आज भी कोई आए तो नहीं है सोच रही थी। जीयू ऊपर आकर चेक करता है, वहाँ कोई भी नहीं थे और उसे बुलाता है और तुम्हारा नंबर दो बोलकर उसका फोन ले लेता है और अपने फोन पर कॉल करता है। कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे कॉल करना बोलता है और वो जा रहा था, सिंगहुन देख लेता है। अगले दिन सिल्वर टीचर सबका यूनिफॉर्म चेक कर रहे थे, जीयू और हाजिन देखते और उनका यूनिफॉर्म ठीक करके जाते हैं। टीचर उनको ही देख रहे थे, वो चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन सिंगहुन सुआ को न्यू सॉन्ग सुनने के लिए देता है पर ये सॉन्ग जीयू का था और उसे पसंद आती है। सिंगहुन उसे बर्थडे गिफ्ट में पैसे देता है और मैं कुछ खरीद नहीं पाया बोलता पर वो मुझे नहीं चाहिए बोलती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। सिंगहुन तुम गुस्सा हो पूछता है, वो मुझे नहीं चाहिए बोलती और मैं ये सॉन्ग सुनने के बाद मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी बोलकर चली जाती है। वो ये क्या कर दिया है सोच रहा है। नेक्स्ट दिन हाजिंग जांगदो और क्योंजुंग बैठे थे, तभी वहाँ सिल्वर टीचर आते वो चेक कर रहे थे, उन्हें सिगरेट मिल जाता और ये तुम लोग का है पूछते हैं पर वो सबका नहीं है बोलते। टीचर उनको 10 पॉइंट दे देते हैं। जीयू बोलता है एक टीचर अपने स्टूडेंट को निकालने की कोशिश में कैसे इधर उधर भाग सकते और सब चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में बॉयबैंड प्रैक्टिस कर रहे थे, वो क्यों उन सब के लिए खाना लेकर आती तभी पुलिस की साइरेंस बजती है। वो क्यों लाइट ऑफ कर देती है और बाहर आकर नाटक करती है। वो सब छुप कर जा रहे थे, उनका सामान नीचे गिर जाता है, पुलिस देख लेते हैं और उनके पीछे जाते वो सब भाग कर आते हैं। नेक्स्ट दिन में सुआ काम खत्म करके बाहर निकलती है। वहाँ सिंगहुन था और यहाँ क्या कर रही हो पूछता है, वो अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी बोलती है। सिंगहुन बहुत ठंड लग रही है, तुम स्कार्फ नहीं लाई हो पूछता है, वो भूल गई है बोलती है। सिंगहुन उसे स्कार्फ देता है और ये मेरा सॉरी है बोलता है और उसे पहना देता है और उसे किस करता है। फिर सिंगहुन उसकी हाथ पकड़ा हुआ था। बस आ जाती है, वो जा रही है बोलती है पर वो हाथ पकड़ा हुआ था। वो चली जाती है पर सिंगहुन बहुत खुश था। सुआ घर जा रही थी और उसके पीछे जीयू जाता है पर वो उसके घर से आगे चली जाती है। जीयू उसे लॉलीपॉप से मारता है, वो गलती से हो गया है बोलता है और उसे देने बोलता है पर वो खाने वाली थी। जीयू मना करता और ये मेरा लास्ट पीस है और उसे खाने नहीं देता है और खुद खा जाता है। तुम अपने घर से आगे जा रही थी और उसे घर जाने के लिए बोलता है। अगले दिन जीयू के डोर के बाहर सुआ ड्रिंक रखी थी। स्कूल में सब आई कैंडी ग्रुप और सैंडविच ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे कौन जीतेगा। रियोमी सुआ से पूछती है कौन जीतेगा, दोनों ग्रुप आमने सामने में होते हैं। सुआ बस देखने और मजे करने के लिए बोलती है पर रियोमी कौन जीतेगा पूछ रही थी। मुझे नहीं पता बोलती है। नेक्स्ट दिन में बैटल स्टार्ट हो गया था। स्ट्रॉबेरी ग्रुप सेट कर रहे थे। हाजिन क्योंगजोंग को उसका गिटार देने के लिए बोलता है पर गिटार का स्ट्रिंग नहीं था और चेक करते हैं वो सब प्रैक्टिस करते थे वहाँ भूल गए थे। यूनसो उनका टाइम चेंज करने के लिए बोलता है पर जुंगमारो ऐसा चेंज नहीं हो सकता है बोलता है और अपना गाड़ी की देता है। जीयू लाने के लिए जाता है। फिर स्ट्रॉबेरी ग्रुप का म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। जीयू ढूंढ रहा था और इधर उनका म्यूजिक खत्म हो जाता है और अब उनका बारी रहता है। हाजिन रो रहा पर जांगदो जीयू का आने तक ड्रम बजाता है। सिंगहुन को पसंद आता है। फिर सब बात कर रहे थे, ये सुआ के पापा है जो जेल ले रहे हैं। सिंगहुन भी देखता है, सब सुआ को देख रहे
जीयुक स्कूल आता है, वहाँ देखता है वो दो गुंडे आकर सुआ को ढूंढ रहे थे। वो अंदर आता है और सुआ को कॉल कर रहा है। सब उसे तुम्हें मिल गए हैं पूछ रहे थे। पियोजो बोलता है तुम लोग अभी स्टार्ट नहीं किए तो हार जाओ। पर जीयुक सुआ को लेकर बाहर चला जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।